हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। आज पावन स्टार पवन सिंह के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का जो छठ गीत है वो आ चुका है और कल शायद रिलीज होगा। लेकिन बहुत ही अच्छा बवाल, एकदम बवाल वाला जो छठ गीत है इस साल, जो घाट पे ना सिर्फ बजेगा तो बजेगा पवन सिंह का ही गाना। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह अब एक होने वाले हैं। उनके रिश्ते में जो भी विवाद थे वो सारे विवाद ख़त्म होने वाले हैं। जो लोग भी नेगेटिव बोल रहे हैं, जो लोग भी उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, उस चीज़ों को आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि ज्योति सिंह ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं उन्हीं के आदेश पे कहीं भी जाती हूँ और कहीं भी आती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, दशहरा के टाइम पे भी ज्योति सिंह काराकाट गई हुई थी। ज्योति सिंह हमेशा काराकाट जाती रहती हैं। काराकाट वो जगह है जिस जगह से पवन सिंह ने चुनाव लड़ा था, और हालांकि वो हार गए थे, लेकिन ज्योति सिंह उनका साथ दी थी। ज्योति सिंह उनके साथ चुनाव में घर घर गांव गांव घूमी थी, और ज्योति सिंह ने अपना पत्नी धर्म निभाया था। काराकाट की जनता आज भी ज्योति सिंह को बहुत मानती है। कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है वो ज्योति सिंह से बना हुआ है। और ज्योति सिंह ने ये भी कहा है कि ज्योति सिंह को अगर मौका मिलता है तो ज्योति सिंह फिर से काराकाट विधानसभा नवीन नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। जिस चीज़ के लिए पवन सिंह हार गए थे, उस चीज़ को पवन सिंह की पत्नी जो है वो पूरा करेंगे और वो वहाँ से लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं काराकाट की जो जनता है वो उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ज्योति सिंह जो है आए दिन काराकाट जाती आती रहती हैं। करुणा हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर थे। न्यूज़ रिपोर्टर द्वारा पूछा गया कि पवन सिंह नहीं आते हैं लेकिन आप आती हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अगर आती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्ज़ी से, उनकी आदेश से ही आती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित हो चुका है कि ज्योति और पवन कभी अलग थे ही नहीं। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो रिश्ते हैं वो सही हो चुके हैं, लेकिन पवन सिंह के पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है। टाइम की वजह से अभी भी कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी रील वगैरह नहीं वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि छठ वगैरह चल रहा है, तो वो अपनी शूटिंग में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। जैसे ही वो खाली हो गए तो वो अपने रिश्ते का सच खुद ब खुद दुनिया को, ऑडियंस को, जो लोग भी उनके चाहने वाले हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि पवन ज्योति एक हो जाए, उनको वो बताएंगे। और बहुत खुशी की बात ये है कि उनका जो गाना आने वाला है बहुत ही बवाल आने वाला है, बहुत ही अच्छा आने वाला है। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।